अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल पर आपको वेलकम कहते हैं। अभी हम मौजूद हैं ब्लू एरिया इस्लामाबाद में। कल रात इस्लामाबाद में शदीद बारिश हुई थी और अभी भी हल्की बारिश हो रही है और मनाजिर इतने खूबसूरत बने हैं बारिश के बाद। यो ना पानी है उधर साइड पे, चलो। अरजान मेरे साथ मौजूद है इस वक्त। अरजान किधर आए हो? इस्लामाबाद में हो ना इस वक्त? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है अरजान को बड़ी खूबसूरत लगती है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी वीडियोस मैंने बहुत देखी है। तो बिरयानी ट्राई नहीं करेंगे? जी जी करेंगे, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आपका नाम? उमर जी। ब्लू एरिया के बिल्कुल कॉर्नर में अपनी गाड़ी में बिरयानी लाके सेल करते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। सर 250 का बॉक्स है। ये आपकी अजमत है सर। देख देख उमर साहब मुझे बहुत ही अच्छे लगे जब मैंने इनकी वीडियोस देखी ना यूट्यूब पे। मेरी तमन्ना थी कि कभी आके मैं इनसे मिलूं। तो बहरहाल चलते चलते इत्तेफाकन नज़र पड़ी जब इन्होंने आवाज़ दी ना होममेड बिरयानी, तो सीधे आया मैं इनके पास। होममेड बिरयानी सर, होममेड बिरयानी सर। उमर साहब एक पैकेट दे दें हमें। सर 250 का बॉक्स। 250 एक बॉक्स बिरयानी और साथ में ये रायता। अभी तो हमारे पास टाइम भी नहीं है और जगह भी नहीं है खाने की। आगे बैठ के आराम से खाएंगे। लमी आपके लिए बहुत आसानियां करें। उमर साहब थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। सेवर फूड ब्लू एरिया इस्लामाबाद पहुँच गए। देखो यार कितना बड़ा रश है। फैमिली हॉल में आए हैं लेकिन बहुत रश है। बड़ी मुश्किल से हमें जगह मिली यहाँ पे। सिंगल चॉइस चिकन पुलाव 209 रुपए का, सिंगल विदाउट कबाब 235। दो लेते हैं साथ, ये भी काफ़ी होगा। एक चिकन रोस्ट, एक सिंगल विदाउट कबाब, ये दो ले आए। अभी देखते हैं होममेड बिरयानी कैसी बनी है। होममेड बिरयानी खाने का हमें इतना शौक़ नहीं था लेकिन उस बंदे की मेहनत, उस बंदे की स्ट्रगल हमें बहुत ही अच्छी लगी, इसीलिए हमने ये बिरयानी खरीदी है। ये जी होम मेड बिरयानी उमर साहब की। यहाँ सेवर फूड आके मैं हैरान हो गया, इतना रश फैमिलीज़ का और कोई टेबल कोई कुर्सी खाली नहीं है और अभी भी वेटिंग में फैमिलीज़ बाहर खड़ी है। मेरे ख्याल में एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आज इस्लामाबाद में बारिश हुई है, सर्दी है। मैंने चावल खाए, अंजुम यमुना ने रोस्ट खाया। क्या बात, एक अमेजिंग लंच हमने किया यहाँ सेवर फूड में आज इस्लामाबाद में। हमारे लेफ्ट साइड पर फैमिली बैठी है इस इंतज़ार में कि हम यहाँ से उठें और ये बैठ के टेबल पे खाना खाएं। सेवर से खाना खा के हम जैसे ही निकले यहाँ बाहर, एक फैमिली मुझे मिली। ये चिलास से इनका ताल्लुक है। सेवर का खाना तो बड़ा अच्छा लगा हमें, आपको भी अच्छा लगा होगा। जी बेटा क्या हाल है, क्या नाम है आपका? आपका? बड़ी खुशी हुई आज एक ऐसी फैमिली से मिलके जो तालीम में इतने आगे हैं, चिलास जैसे एक इलाके से आके ये CSS की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है। चांद भाई आपने दुकान बदली है इसलिए हमें खौरियत हुई। अस्सलाम वालेकुम। चांद भाई ठीक ठाक, मुबारक हो नई दुकान। थैंक यू सो मच जी। मैं तो वो पुरानी दुकान समझ के उधर घूम रहा था। वो पुरानी दुकान में लैपटॉप रखे हुए हैं। अच्छा, हमने अपने चैनल के लिए जितनी भी गियर्स अभी तक खरीदी है ना, यही से ड्रोन DSLR GoPro, ये GoPro सारी नहीं से खरीदी है। सर बैठे जी प्लीज। ये दुकान देखें ना, ये भी ग्राउंड पे बनाई है, खुद बनाई है सारी चीजें। अच्छा क्या बात। शान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं, बहुत शुक्रिया। तो यार अगर आपको कैमरा कोई गियर चाहिए ना तो ये बेस्ट दुकान है। ये मेरा पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस है, सारी चीजें मैंने शान भाई से ली और इतनी सस्ती मिलती है।
मार्केट से अगर लोगे और शान भाई से लोगे तो तकरीबन 30-40% का फर्क तो है। फर्क अभी शान भाई से मिलके आए, अभी हम जा रहे हैं सीधे अपने सब्सक्राइबर के घर, तो होपफुली हम मगरिब के टाइम पे ही पहुंच जाएंगे। ये अभी इधर खड़े हैं तो ये घर है, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। बाहर आगे जाना है। क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत? क्या हाल है बच्चों? इधर ही? जी जी, आज आज। चलो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? खैरियत से आप? वाले सलाम। सॉरी, मैं नमाज पढ़ रहा था। आमिर भाई कैसे? क्या हाल चाल? ठीक है। हाँ, ये रास्ते में सो गए। आमिर अंदर ही बिठा देना। और आंटी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस इंतजार ही था हमें आपके आने का। बेटा क्या हाल है? ये तुम तो काफी बड़े हो गए हो। बस ये ठीक है। ये पिछले साल ऑलमोस्ट दिसंबर में मैं आया था आमिर भाई के घर, उसी दिन ही हमने फैसला किया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट साल भी हम मिलेंगे। हाँ, देखे अल्लाह ने हमें तौफीक दी आंटी से मिलना, इनसे मुलाकात करने का शरफ। जी 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 जी। कैसे आप? आपको मजा आ रहा है पंजाब में आके? हाँ। रखो झूले में रखो। नहीं, इसके वजन से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, बड़ा बंदा बैठा ना। बैठा अरजान झूले में, क्या बात है। आपको सर्दी लगती है मेरे ख्याल में? बहुत लगती है। ये देखो अरजान कितना खुश हो रहा है, देखो। हमने मना किया था आंटी को। जी जी। कि आपने खाने की जमानत नहीं करनी, बस हमने मिलना है, चाय पी के निकलना है। इसीलिए जैसे कुछ मेरी मसरूफियत थी। हाँ हाँ हाँ। तो बहरहाल फिर भी आपने जहमत की कि खाना आपने बनाया। हम तो बहुत खुश होते हैं। नहीं नहीं, आप आते हैं हमारे पास और खाना खाते हैं, और हर बंदा जो रिस्क खाता है वो अपना नसीब का खाता है। आमिर भाई, ये पुलाव मेरे ख्याल में स्पेशल लगती है। काबलो पुलाव से कह रहे थे। लगते हैं बाबी को भी ना काफी एक्सपीरियंस है कुकिंग का। जी जी, वो कुकिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, बनाती रहती हैं। बाबी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? खाने पिछले साल भी मैंने खाए घर में आपके। खानों के टेस्ट से ना मुझे लगा कि आप काफी महारत है कुकिंग की, तो आपने कुछ सीखा है या खुद से ट्राई करके ये खाने बनाती हैं? नहीं नहीं, सीखा नहीं, खुद ही बनाती। शौक भी है तो ना खुद बनाती। माशाल्लाह। आंटी से हम रोज पूछते थे ना कि कब आएंगे। अच्छा। तो ना बता रहे थे आंटी भी अभी है ना लाहौर में, अभी इस्लामाबाद नहीं आए, तो फिर परसों शायद आप आए। मतलब आपको शिद्दत से इंतजार था। जी, जी, तो बहुत ज्यादा। खाना खाया और खाने के बाद स्वीट आई है, वो भी बड़ी स्पेशल। ये बिस्किट ट्राइफल है। इसमें क्या क्या चीजें आपने इस्तेमाल की है? इसमें क्रीम है, कंडेंस्ड मिल्क है, मैरी बिस्किट्स हैं, और इसके अलावा जो है फ्रूट कॉकटेल है और नट्स वगैरह। वीडियोस में तो आप डेली देखती हैं, लेकिन जब हम खुद आपके घर आते हैं क्या फर्क होता है? बता नहीं सकती कि वो अच्छा। कैसी खुशी होती है। इतना अच्छा लगता है, दिल इतना खुश होता है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, सुबह में बड़ी परेशान थी मैं ना, रात को सो नहीं सकती। रात को मैं 2 बजे कहीं सोई हूँ, फिर सुबह 6 बजे उठ गई नमाज के लिए, फिर मैं अजीब कैफियत थी, सारे बच्चे सोए, अजीब सी हालत थी। उसके बाद जब आपका फोन आया ना, बस मैं फ्रेश हो गई। चले बात, ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। सही बात है कि हमारी वजह से अगर आपकी जिंदगी में सुकून खुशी आती है ना, तो हमें लाजिमन कंट्रीब्यूट करना चाहिए आपकी खुशी में। आमिर भाई इजाजत हमें, बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। मुलाकात हुई, बड़ी मौजूदात पे गुफ्तगु रही, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप ऐसे समझे कि अपने घर जा रहे। जी जी जी। नहीं नहीं, हम आते हैं आपके घर में ना अपना समझ के आते हैं। सही बात। भाभी हम अभी निकलने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मेहमान नवाजी का। थैंक यू। आई होप कि ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। इस व्लॉग में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलें अभी इस व्लॉग को हम एंड करते हैं, बहुत जल्द एक नए व्लॉग में आपसे मिलेंगे। तब तक थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।